हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने दादी के गांव में। तो चलो देखते हैं पूरा वीडियो दादी के गांव का और उनके घर का, लेट्स गो। ये हमारे घर के काम वाली बाई है और ये है घर। और हम चले हैं गांव में पानी लेने के लिए, क्योंकि गांव है तो पानी की कमी तो होती ही है। तो चलो चलते हैं पानी लेने के लिए। मीठा पानी अलग आता है और खारा पानी अलग आता है। तो चलो चलते हैं मीठा पानी और खारा पानी लेने के लिए। देखो गांव के घर कैसे होते हैं। ये है गांव के घर। गाय बछड़े सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है गांव का गुंदरा, जिसको बोलते हैं चौराहा, जहां पर सारी मीटिंग या मतलब सब लोग बैठते हैं यहां पर आके। ये है गांव का मेन। और हम उधर खेत खलिहान में जाएंगे दूर पानी लेने। ये शंकर भगवान का मंदिर है, ग्राम बरवाला। यहाँ मेरे काका पूजा करने आते हैं। तो गांव में ऐसी गलियाँ होती है जहाँ से होके गुजरना पड़ता है और पानी लेने जाना पड़ता है। मेरी बहनों को बेचारों को कितनी तकलीफ। देखो मटका पकड़े हैं ये लोग और जा रहे हैं, और मैंने कुछ नहीं पकड़ा है क्योंकि मैं उपाड़ ही नहीं सकती, मतलब मैं उठा ही नहीं सकती। और इतना मैं चल नहीं सकती पहली बात, अगर उठा भी ली तो मैं थोड़ा सा ही चल सकती हूँ, इतना नहीं चल सकती मैं। तो सुबह के 8 बजे हम पानी भरने जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं। घर में मीठा पानी नहीं आता है तो सिर्फ हमारे लिए हमारी बहन कष्ट उठा रही है मीठा पानी लेने जाने के लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ का पानी नहीं भा रहा है। तो हम मीठा पानी लेने जा रहे हैं, देखते हैं कितना दूर है। और हम गांव घूमते हैं। मेरी दादी का गाँव है ये, दादी का, यस मेरी दादी का, मेरे पापा का, ये मेरे पापा का गाँव है बरवाला। तो यहाँ पर आए हैं हम पानी भरने के लिए। कितनी मस्त जगह लग रही है यार, और इतना हरा भरा है ना पूरा पेड़ों से यार, कितना अच्छा लग रहा है एकदम। हाँ, ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मंदिर भी है, जय हो भगवान। पानी आ रहा है और मैं डर गई। वहाँ कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, विद्यापति। झूला भी है यहाँ पर, खेत में बैठ भी सकते हो मज़े से, एकदम रापचिक तरीके से। यहाँ पर खाटला वाटला लगा हुआ है, मस्त पेड़ की छाँव में बैठो, आनंद लो, शांति की अनुभूति यहाँ पे। ये मैं बैठ के देखती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ इसमें। देखो मैं बैठ गई हूँ और झूल रही हूँ यहाँ पर, ये वाला झूला। डर भी लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। मेरा इतना वजन है कि भले दिखती नहीं हूँ बट है वजन, बहुत वजन है मेरे में, बहुत हैवी हूँ मैं, तो टूट भी सकता है झूला। कितना अच्छा लग रहा है, वाह हरा भरा, देखो वाह। और इतनी चिड़िया की आवाज़ आ रही है चहचहाने की। शहर में ये सब के मज़े कहाँ पर है, शहर में सब कुछ छूट गया है और गांव में ये सारी चीज़ें अभी भी विराजमान है। तो लोग इसलिए तो शहर से गांव आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए और काम करने जाते हैं शहर में। अच्छा आनंद आ रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम। हाँ हमारी बहन, हाय बेनरी, इसका नाम है जिगा, मतलब सॉरी मित्तल, मित्तल नाम है इसका। अष्ट पुष्ट लोग हैं यहाँ पर। ऐसे ये भैंस की वाछड़ी है, बच्चा है भैंस का, ठीक है भैंस का बच्चा है। हेलो बोले एमपी वाले। अच्छा हेलो भैंस, भैंसड़ी। चलो चलो हो गया क्या अपना काम यहाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो गिलहरी कितने अच्छे से खा रही है और वहाँ कबूतर दाना चुग रहे हैं। वाह कितनी क्यूट लग रही है गिलहरी, ओ माय गॉड। मतलब हमारे यहाँ तो गिलहरी, हम लोग पास जाते हैं तो भग जाती है, यहाँ पर गिलहरी भगती नहीं है, मतलब खा रही है तो खाती च है भाई। वाह और उधर देखो भैंस लोग खड़े हैं, सुंदर नज़ारा। वाह अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई मुझे यहाँ आकर, वाह क्या आनंद आ रहा है। गुजरात में लेकिन सुबह के 8 बजे बहुत गर्मी है, सुबह के 8 बजे लिटरली, मतलब इतनी गर्मी लग रही है मुझे, इतनी धूप भी लग रही है। सूर्य देवता कुछ तो रहम करो, दया करो, इतनी धूप काहे को, मैं पूरी पसीना पसीना हो गई इतने में। अरे मेरी बहन देखो माटलू पाड़ियो, मतलब मटका देखो ऐसे उठाया हुआ है इसने, गुंडी डेगड़ू, हाँ डेगड़ू बोला है गुजराती माँ, माटलू ये गुजराती माँ कहवा है। और मुझसे इतना नहीं हो पाता यार,
आदत नहीं है ना, एक्चुअली इन लोग की आदत है और इन लोग बचपन से वही सारी चीज़ें करते आ रहे हैं तो इन लोग की आदत बन चुकी है करने की। शायद हम भी यहाँ रहते तो हमारी भी आदत होती, लेकिन हम जो काम कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते और जो ये कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। अब भगवान सबको एक जैसा तो नहीं बना सकता, पाँच उंगलियाँ बराबर तो है नहीं, तो हम भी बराबर नहीं है, ठीक है। ओह गर्मी, पूरा पसीना पसीना होगी मैं तो। ठीक है, तो पांचों उंगली बराबर नहीं होती, वैसे ही हम सब भाई बहन भी बराबर नहीं हैं। ये वो वहाँ पर उसको कुछ हो रहा है, हम डर गए। वो कैसे अजीब सा कर रहा था बैल, बाप रे मैं तो डर गया बाबा, वो बैल को देख के तो अजीब सा ही कर रहा था वो बैल। मार मत दे, और पूरा सुनसान सड़क है यहाँ पर, तो कोई हमें बचाने भी नहीं आने वाला। कैसे करेंगे हम लोग अगर कोई कुछ कर दिया तो। ए जिगा हवे सू कर सू, मार से आ तो आपन ने नहीं मारे, पर मार से तो नहीं मारे। मैं तो दौड़ के चली जाऊंगी। सामने दिख रही है वो स्कूल है जहाँ पर मेरे पापा ने पढ़ाई की थी, उस स्कूल में, तो वही वो स्कूल है जहाँ पर मेरे पापा ने पढ़ाई की। और ये उनका पूरा गांव है, सुंदर सा ब्यूटीफुल सा। पापा की यादें, हमारे पापा की, हम तो दो दिन आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो ये रही साला, वो पीछे का भाग तो ये आगे का भाग है। ये है गांव, देख सकते हैं यहाँ पर डेयरी है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, पापा का, इतना सुंदर सा गांव। थोड़ा बदल गया है, तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा कच्चे घर थे, अभी थोड़े पक्के पक्के भी हो गए हैं, किसी ने अच्छा अच्छा घर बना लिया। मैं लकड़ी फेंक दूँ, बहुत देर से पकड़ी थी। तो चलो आगे बढ़ते हुए हम अपने घर की, और हम आए उस तरफ से थे लेकिन जा इस तरफ से रहे हैं, क्योंकि इधर हर घर में ना दो दो दरवाजे हैं, आगे के पीछे के, तो कहीं से भी जाओ अपना घर तो आ ही जाता है। और अपना घर मेन रास्ते पे ही है, तो अपना घर पहले पड़ता है, बाकी लोगों का अंदर 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 बहुत घर है, लेकिन हम कभी गए नहीं। हमसे हमारा घर इधर है, तो हम सिर्फ इतने में जाते हैं और यहीं से वापस आ जाते हैं, हो जाता है अपना काम। देखो बच्चे लोग जा रहे हैं यहाँ पर। ये नीम का पेड़ है, ये गुजरात में नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा नीम के पेड़ है। और बहुत अच्छी बात है नीम का पेड़ होना, क्योंकि ठंडक उसी से बहुत जल्दी, पेड़ लगाओ और ठंडक पाओ, छांव पाओ, गर्मियों से राहत पाओ, समझे। ये हमारे बड़े पापा का घर है यहाँ पर, ये चबूतरा, वहाँ से भी एक गली जाती है, उधर से भी एक गली, हर जगह जगह पर गली गली है, सबके अलग अलग है। ब्राह्मण लोग इधर रहते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा बटा हुआ है। ये हमारा घर इधर आ गया, आ गया। अब मैं आपको अपने घर दिखाती हूँ, दादी का घर, पापा का घर, दादा का घर, काका का घर, ठीक है, वो दिखाती हूँ। चलो हम उन भ्रमण करते हैं, अपने घर का भी, गांव का हो गया, अब घर का भ्रमण करते हैं, लेट्स गो। तो ये दरवाज़ा, हम अंदर घुसते हैं, वो यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, कोई तो बैठा है, तुम डायरेक्ट अंदर चलते हैं बिना हल्ला किए। ये छत है, ये घर है, यहाँ मम्मी बैठी हुई है, हम अपनी स्लीपर यहाँ पर उतारते हैं फिर चलते हैं। ये हमारी काकी बैठी है, देखो ये ऐसे दिखता है इधर साइड से, मस्त सा झकासी दाऊ खड़ा है, दाऊड़ी, ठीक है। ये पानी रख दिया हमने यहाँ पर, मतलब मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने, हमने नहीं, मतलब हमारी सिस्टर ने। तो आगे बढ़ते हैं, ये है किचन, ठीक है, गांव में भी ऐसे किचन होते हैं, ठीक है, ज़रूर शहर में तो होते ही, गाँव गाँव नहीं रहा, मैं पहले बता दूँ। और ये है एक रूम, ये मेरा भाई संजय, मेरे काका का बेटा। और यहाँ पर ये सारा सामान ऐसे रखा हुआ है रूम में, स्टोर रूम बना दिया गया है रूम को भी। यहाँ रूम नहीं होते एक्चुअली गांव में, ना पर्सनल रूम नहीं होता, ये चीज़ पहले बता दो। गांव में ना हॉल हॉल टाइप के रूम बड़े बड़े बनाते हैं। ये बाहर का आंगन है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है हमारे गाँव का, हमारा घर जो है वो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, मतलब बहुत बड़ी जगह है, मतलब इधर ना रात को सो जाओ क्या ठंडी हवा आती। तो देखा आपने, ये था हमारा गाँव और ये था मेरा घर, ठीक है। तो ये है हमारे पापा का, पिताश्री का घर, दादा दादी का, पुरखों का, जमाने का घर, थोड़ा सा इसको रिनोवेट किया गया है, बाकी तो ये वैसा ही है थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा गांव, यहाँ पर रो क्यों रहे हैं, का हुआ दाओ, का हुआ, क्यों रो रहे हैं, ऐसे ही रो रहे हैं, माँ तो रुलाती है। ये हमारी दूसरी ये बड़ी बहन है, जो आपको दिखाई वो छोटी बहन थी और वो छोटा भाई था, लोग दो बहन एक भाई है। यहाँ हमारी अब हम करी थे धन्य आशीर्वाद वाला, तुम्हारा तुम्हारा आशीर्वाद जो है सुखी। हाँ, अंत्या बैठा काका ने अपना फ्रेंड बनने वादु करे छे, अन्य वो छत है, छत में जाके दिखाती हूँ आपको, चलो।
और ये है छत यहाँ की, और ये ऐसा दिखता है कुछ ऊपर से। यहाँ भी मंदिर है, मंदिर बहुत है, ये गंगा महाराज का मंदिर है। मतलब यहाँ पे ना स्नेक जो रहते हैं सांप, उनको भी बहुत भगवान के नाम भगवान माना जाता है, और उनकी पूजा अर्चना करके मंदिर वंदिर बनाया जाता है यहाँ पर। ये देखो ये है शहर, गांव, सॉरी छोटा सा गांव है बट बहुत प्यारा सा गांव है ये। हमने कल रात को यहाँ पर सोए थे हम छत में, बहुत मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मस्त सी, आहा हा, मस्त लग रहा था, गांव की तो बात। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई रिक्शा वगैरह मिले, फिर हम यहाँ से प्रस्थान करें अपनी बुआ के यहाँ। ये हाँ, ये गुड़ी की काकी यहाँ पर खड़ी है, जीगा पानी लेके आया, वाह जीगा वाह, थैंक यू जीगा। हाँ हाँ दिख गया, तो सुबह ले चुकी हूँ उनको। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जहू माता का मंदिर। गुजरात में जहू माता को बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, मतलब जहू माता के द्वार पर आके आप जो भी मनोकामना मांगो वो पूर्ण होती है। यहाँ पे ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, वहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में महाआरती होने वाली है जहू माता की, तो हम उसी के लिए आए हैं।